राधे राधे गुरु जी। मैं आपकी हमेशा कथा भी सुनती हूँ, आपकी रील्स भी देखती हूँ, पर मैंने रील्स में बहुत सारी लेडीज़ों को जो कुछ रील्स बनाती हैं वो आपको एडिट करके कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसी अश्लील भाषाएं वो करती हैं, मेरा मन बहुत दुखी होता है। और मुझे लगता है एक सनातन धर्म की महिला हो के, एक सनातन धर्म के गुरु को मतलब इतना गंदा वो पेश करती हैं, मुझे बहुत मन दुखी होता है कि क्या करना चाहिए। मैंने 2-3 बार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उनको मतलब लिख के भी दिया कि आप जो कर रही हैं वो अच्छा नहीं कर रही हैं, हम हमारे सनातन धर्म के होके हम अपने सनातन धर्म के गुरु का मजाक ना बनाएं। मुझे बहुत बहुत ये चीज़ फील होती है। और मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उन लोगों को मैसेज किया है, पर उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। और हमेशा मैं मतलब आपको सुनती हूँ, आज आपको मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और अच्छा लगा। लेकिन आपको, आपके लिए कोई ऐसा करता है तो मेरा मन दुखी होता है जी। कुछ लोग करते हैं, उनसे उनको यूट्यूब पे व्यू चाहिए होते हैं और पैसे कमाने होते हैं। हाँ, मैंने ये उनको लिख के दिया कि थोड़े से पैसे कमाने के लिए आप लोग किस हद तक गिर जाते हैं। मेरे नाम से सोशल मीडिया में 40,000 चैनल हैं, 40,000, मतलब आप ये समझिए कि 40,000 लोगों का चूल्हा जल रहा है केवल नाम से। तो वो बना रहे हैं, उल्टे सीधे भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ बुरा भी कर रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए हंसी मजाक तक थोड़ा समझ में आता है कि चलिए ठीक है, आपका माध्यम बना के सबको हंसा रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे मतलब अश्लील सा बनाती ना, तो मेरा मन वो देख के अच्छा नहीं लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म के हम होके और हम उन्हीं का ही मजाक बनाएं। बिल्कुल ऐसा करते हैं कुछ लोग, ठीक कह रहे हैं आप, सही है, ठीक है। राधे, खुश रहिए आप, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। गुरुजी मुझे आपसे बात करनी चाहती थी, मेरा एक बेटा है, उनका नाम आपके गुरुकुल में लिखवाना चाहती थी, एडमिशन करवाना चाहती। आप बोले थे हमको बहुत दिन से, ठीक बात कर लेना कार्यालय में चल के। और किसका सवाल है? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे महाराज जी, आपकी कथा से हम लगभग 4 साल पहले जुड़े थे और हमारी छोटी बहन को बहुत शौक है ये गीता वगैरह पढ़ने का और भागवत सुनने का, भजन सुनने का। तो उसी ने चलाई थी उस दिन आपकी भागवत। अचानक मैं कमरे में एंटर हुआ तो मैंने सुना आपका बहुत एक अच्छा प्रसंग चल रहा था, तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं आपकी कथा डेली सुनता हूँ। कौन सा प्रसंग था? अब कोई महिला के ऊपर था, मतलब जैसे आप बताते ना जैसे शूद्र पशु वाला, शायद वही था। तो उसको सुनने के बाद से और आज तक ऐसा लगता है कि आपके जिब्या से जो भी बात सुनते हैं वो वाकई में सत्य होती है, कोई भी बनी बनाई बात नहीं होती। तो उस दिन से लेकर आज तक हमारा पूरा परिवार आपकी कथा डेली सुनता है। तो मेरा ये था कि जैसे कि आपने अभी शनिवार को गीता का पहली बार बताया था, तो उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि उसको गिफ्ट करूँगा, कि उसने आपकी कथा मुझे एक तरीके से गिफ्ट में दी तो मैं उसको भगवद गीता गिफ्ट करूँगा। वो मेरे से बोल रही थी कि भैया तू जाए तो तू मत लेकर आइयो, मैं खुद जाके महाराज जी से लेकर आऊँगी। तो मैंने बोला था कि ठीक है अब, लेकिन वो तो नहीं आ पाई। आप बस इतना कर दीजिए, ये गीता के लिए आप बोल दीजिए कि ये आपकी तरफ से। क्या नाम है? भावना नाम है। भावना बहन, ये भगवद गीता आप ग्रहण कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। महाराज जी।